हेलो फ्रेंड्स मैं ईश्वर चोकर आज आपके साथ यू जी नेट इंग्लिश जून 2012 ट्वेल्व पेपर थ्री डिस्कस करूँगा विद so, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन सो ध्यान से सुनना वीडियो को मैं भी सुन रहा हूँ बोल रहा हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन बेन जॉनसनस वोलपोनी द एनिमल इमेजरी इंक्लूड्स जो बेन जॉनसन का वोलपोनी जो प्ले है उसमें जो एनिमल की इमेजरी है वो क्या है फोक्स एंड द वल्चर है और नेक्स्ट है फ्लाई द करो एंड द है यानी कि वन और थ्री तो आंसर डी करेक्ट है इसका तो बोल पोनी में जो एनिमल इमेजरी है तो फोक्स एंड द वल्चर द फ्लाई द करो एंड द रावणा ये एनिमल कैरेक्टर है एनिमल इमेजरी कैरेक्टर है ठीक है ये मीन्स ह्यूमन बींग्स हैं और इनमें जो इमेजरी की गई है ना कल्पना की गई है कि ये जो जैसे वॉल पोनी था तो वो फोक्स था ठीक है और वल्चर था फ्लाई थी क्रो था और रावणा था ये सारे क्या हैं ये एनिमल इमेजरी है वॉलपोनी में सलमान रसदीद इमेजरी होमलैंड इज सलमान रस्दी की जो इमेजरी होमलैंड है वो क्या है वो है एन एस ए दैट प्रोपाउंड्स एन एंटी इसेंशियलिस्ट व्यू ऑफ प्लेस सलमान रस्दी का इमेजरी होम होमलैंड क्या है एक एस है दैट एन एस ए दैट प्रोपाउंड्स एन एंटी इसेंशलिस्ट व्यू ऑफ प्लेस आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो ये करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने इसमें तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है करेक्ट स्टेटमेंट है बेसिक वाज एन एक्सपेरिमेंट इनिशिएटेड बाय सी के ओडगन नहीं ये नहीं है एक्सपेंडेड बेसिक रीड ब्रॉडली असरटेन्ड साइंटिफिक इंटरनेशनल कोर्स तो एक तो बी हो गया आपका बेसिक एक्सपेंडेड बेसिक बेसिक की फुल फॉर्म क्या है ब्रॉडली असरटेन्ड साइंटिफिक इंटरनेशनल कोर्स और नेक्स्ट है इसमें वाइल्ड कीपिंग टू नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बेसिक फेल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट्स डॉक्यूमेंट्स वर फॉर टू कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल टू अंडरस्टैंड तो एक तो बेसिक की फुल फॉर्म करेक्ट है और एक जो ये लास्ट है भाई वाइल कीपिंग टू नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस बेसिक फेल्ड बेसिक फेल हो गए एज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट्स डॉक्यूमेंट्स वर फार टू कॉम्प्लिकेटेड इसके डॉक्यूमेंट्स जो थे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे एंड टेक्निकल टू अंडरस्टैंड और समझने में बहुत मुश्किल थे इसलिए इसका आंसर जो हो गया इसका आंसर हो गया बी आइटम्स इन अ पब्लिश्ड बुक अपीयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर जो ये बुक है आइटम्स है तो कैसे कैसे सबसे पहले किसी बुक में क्या आता है तो ध्यान से देखिए क्या आता है सबसे पहले आपको पता है कॉपीराइट का पेज होता है फिर फुटनोट होता है फिर बिब्लियोग्राफी और लास्ट में इंडेक्स होते हैं सबसे पहले है कॉपीराइट पेज फिर फुटनोट्स फिर बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स फुट नोट सॉरी कॉपीराइट पेज फुट नोट बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स मैच द फॉलोइंग ये फॉलोइंग मैच करने हैं आपने तो कीजिए मैच जेम्स थॉम्पसन ओलिवर गोल्ड स्मिथ विलियम कॉपर और जॉर्ज ग्रेबल ये कैसे पॉइंट थे फिर से सुनेंगे जेम्स थॉम्पसन जेम्स थॉम्पसन जो हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ विलियम कॉपर और जॉर्ज क्रैब क्रैब जॉर्ज क्रैब जॉर्ज क्रैब तो ये कैसे पॉइंट है ये पॉइंट हैं ट्रांजिशनल पॉइंट है ये तो फर्स्ट का सेकंड हो गया जेम्स थॉमसन ओलिवर गोल्ड स्मिथ विलियम कॉपर जॉर्ज ये कैसे पॉइंट है ट्रांजिशनल पॉइंट और जॉर्ज जॉर्ज हर्डबर्ट हैंनरी वोगन एंड्रयू मॉर्मल अब्राहम कोली और जॉन डन जॉन डन से आपको पता है मेटाफिजिकल पॉइंट्स हैं तो जॉन डन कैसे हैं मेटाफिजिकल पॉइंट हैं फिर रोपर्ट ब्रूक विल्फर्ड ऑन सीफ्रिड सीजन एडमंड बर्क और रॉबर्ट ग्रेव्स रॉबर्ट ग्रेव्स ये कैसे पॉइंट है ये है आपके वॉर पॉइंट ये कैसे पॉइंट हैं देखो विलफ्रेड रॉबर्ट ब्रूक ओन सीफर्ड सेसन एडमंड एंड ये ग्रेव्स जो हैं ये वॉर पॉइंट्स है और लास्ट आपका बस गया डब्ल्यू देव। एच डब्ल्यू एच डेविस वॉल्टर डेला मेयर और जॉन ड्रिंक वाटर ये क्या है ये आपका गोरजियंस है ये आपके क्या है गोरजियंस है तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा द फॉलोइंग फ्रेजिज फ्रॉम शेक्सपियर हैव बिकम द टाइटल ऑफ फेमस वर्ड्स आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड ग्रुप करेक्ट को बिल्कुल तो पेल फायर पेल फायर किस को रिप्रजेंट कर रही है पेल फायर कर रही है आपकी व्लादिमिर को पेल फायर किस को व्लादिमिर तो पेल फायर किस पे आ गई ई पे आ गई द साउंड एंड फ्री द साउंड एंड फ्री किसकी है भाई विलियम फॉकनर तो साउंड एंड फ्री क्या है विलियम फॉकनर से रेजन कॉट एंड गिल्डन स्टोन्स आर डेड रेजन कॉट्स एंड गिल्डन स्टोन्स आर डेड तो ये किसमें है टोम स्टोफर्ड टॉम स्टोफर्ड में ये टॉम स्टोफर्ड में है रेजन क्वेंट्स एंड गिल्डन स्टेन आर डेड अंडर द ग्रीन वुड ट्री अंडर द ग्रीन वुड ट्री अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये किसमें है अंडर द ग्रीन वुड ट्री हो गया आपका थॉमस हार्डी हार्डी थोमस हार्डी अंडर द ग्रीन वुड ट्री और ऑफ केक्स एंड एल ऑफ केक्स एंड एल क्या हो गया मोगम मोगम तो पेल फायर हो गई आपकी को, तो आंसर आपका बन गया सी आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अमंग दोस्त दैट एक्सप्लेन्स स्टेज डायरेक्शन स्टेज डायरेक्शन जो ड्रामा में करते हैं ना उसमें आपने ट्रू जो नहीं है यानी झूठ जो है उसको बतानी है तो चेक करेंगे फर्स्ट क्या है स्टेज डायरेक्शन इन्फॉर्म्स रीडर हाउ टू स्टेज परफॉर्म्स और इमेजिन द प्ले बिल्कुल ठीक है स्टेज डायरेक्शन जो है इन्फॉर्म करते हैं कि कैसे भाई परफॉर्मेंस करनी है प्ले में बिल्कुल ठीक है ये नेक्स्ट है द प्लेस द प्लेस टाइम एक्शन टाइम ऑफ एक्शन डिजाइन ऑफ सेट टाइम्स एक्शन टोन ऑफ वॉइस आर इंडिकेटेड बाय स्टेज डायरेक्शन सी ये भी ठीक है स्टेज डायरेक्शन आर ऑफन इटालीसाइज्ड इन टेक्स्ट ये नहीं है सी नहीं है स्टेज डायरेक्शन में अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले बिफोर सीन और अटैच टू अ लाइन ऑफ डायलॉग ये भी ठीक है तो सी करेक्ट नहीं है आपका स्टेज डायरेक्शन आर ऑफन इटालीसाइज्ड इन टेक्ट और प्रे इन ऑर्डर टू स्पोकन टू बी स्पोकन अलाउड द एमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज़ एसोसिएटेड विद एमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद किसके किससे से एसोसिएटेड है ये यह है जॉन वोल्फ गैंग वॉन गोते तो वर्ल्ड लिटरेचर जो है ना एमरजेंस द एमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज़ एसोसिएटेड विद जोहन वोल्फ गैंग वॉन गोत्ते और जॉन गोल्ड फ्राइड हार्डर तो ये दोनों है यानी सी तो जॉन वोल्फगैंग वॉन गोते और जॉन गोल्ड फ्राइड हार्डर ये क्या है द एमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर द एमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद जोहन वोल्फगैंग वॉन गोते और जौन जोहन गोल्फ्रेंड हार्डर ग्रास गिंटर ग्रास टीम ड्रम इज़ पार्ट ऑफ़ ट्रियोलॉजी नोन एज डेंजिंग डेंजिंग ट्रियोलॉजी द अदर टू नोवल्स आर दूसरे दो नोवल क्या है कैट एंड माउस एंड डॉग ईयर्स कैट एंड माउस डॉग ईयर्स फिर से सुनेंगे गिंटर ग्रास टीम ड्रम इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रियोलॉजी नोन एज द डेंजिंग ट्रियोलॉजी द अदर टू नोवल्स आर कैट एंड माउस एंड डॉग ईयर्स कैट एंड माउस डोग ईयर्स द होस्टेस प्राउडली अनाउंसिस दैट द फैमिली कैन अफोर्ड अ सर्वेंट एंड हर डोटर्स हैव नथिंग टू डू विद द किचन हु इज़ द प्राउड मदर इन जेनस्टन्स नोवल मिसिज बेनिट ये मिसिज बेनिट प्राउड मडर है जो कहती है कि मेरी बेटियों के लिए ये इस घर में है ना जो वो सर्वेंट रखा जा सकता है मेरी बेटियाँ काम नहीं करेंगी वैन किड्स राइट्स अबाउट द बीकर फुल वैन किड्स राइट्स अबाउट द बीकर फुल द ब्लसफुल हिप्पोक्रेन हिप्पोक्रेनज यहाँ हिपोक्रेन क्या है हिप्पोक्रेन क्या है यहाँ तो हिप्पोक्रेन द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स ये भी है और अ स्प्रिंग सेक्रेड ऑफ द म्यूजिज ये दोनों है यानी हिप्पोक्रेन क्या है द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स अ स्प्रिंग सेक्रेड टू द म्यूजिज ये क्या है किड्स राइट्स करता है लिखता है अबाउट द बीकरफुल और द ब्लसफुल हिप्पोक्रेन हिपोक्रेनिया क्या है हिपोक्रेना द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स और अग सेट टू द म्यूजिस आंसर डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रिलिय विलियम वर्ड्सवर्थ इज और आर ट्रू जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा प्रिलियूड में ये सच है तो सच क्या है इनमें से तो सच है आपका इसमें द प्रलियूड वॉज पब्लिश पोस्टमसली सच नहीं झूठ क्या है फिर से सुनेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रलियोड बाई विलियम वर्सवर्ड इज ये आर नॉट ट्रू तो सच क्या नहीं है पहले यह देख लेते हैं सच क्या द प्रलियूड वॉज पब्लिश पोस्टमसली बिल्कुल ठीक है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पर्लियुड को पब्लिश किया गया था इन द पोएम वर्ड्स वर्थ रिकॉर्ड्स इज डेवलपमेंट एज अ पोइट बिल्कुल ठीक है यह बीस पोएम में वर्ड्स वर्थ अपने रिकॉर्ड को एक पोइट के रूप में रखते हैं द पोएम रंस टू फोर्टीन बुक्स बिल्कुल ठीक है एट एट क्रिटिकल स्टेजिज द पोइट सेलिब्रेट्स द सप्लाइम नेचुरल सीनरी इन डेवलपिंग हिज हिस्सपरिचुअल मॉरल और इमेजिनरी नेचर ये भी ठीक है और पोएम लाइक माइकल द ओल्ड कैम्बरलैंड द डवेल्ट अमंग नटिंग एटसेट्रा आर हाई लाइटिंग द वॉल्यूम ना 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 तो इसमें क्या नहीं है इसमें जो है आपका फोर ट्र्यू नहीं है तो फर्स्ट सेकेंड ये ट्र्यू है फोर इसमें ट्रू नहीं है तो आंसर आपका हो गया सी एसरसन है एट द एंड ऑफ हर्ट ऑफ डार्कनेस मार्लो टेल्स अ लाई टू द इंटेंडेड अबाउट कर्ज व्हेन ही टेल्स हर द लास्ट वर्ड ही प्रोनाउंसड वाज योर नेम अंतिम जो वर्ड था वो आपका नाम प्रोनाउंस किया था ये तो एसरसन हो गई रीजन क्या है इसका मार्लो टेल्स दिस बिकॉज ही इज सीक्रेटली इन लव विद द इंटेंटिड एंड टेल्स हर वॉट सी वॉन्ट्स टू हियर तो तो इसमें क्या बन सकता है इसमें बनेगा दोनों ट्रू हैं देखो ये भी ट्रू है एजर्सन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है लेकिन आंसर भी बन गया इसका जो रीज़न है ना वो ए एजर्सन की ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है In ELT is में, भी कानों की ट्रेनिंग किससे की हो, हो सकती है और लिस तो टू और फोर किस में जूलियर सीजर एंटोनियो एंड क्लियोपैट्राइल आर बेस्ड ऑन किस पे बेस है ये प्लुटाक्स लाइव पे बेस है ये द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट the basic concept that uh, creation was ordered that every species exist in a hierarchy of status from from god to the lowest creature was prevalent in the renaissance in this hierarchical in this hierarchical continuum man occupies the middle position between the animal kinds एंड द एंजल्स दिस वर्ड व्यू इज नोन एज इस वर्ड को आप क्या कहेंगे इस वर्ड को क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम द ग्रेट चेन ऑफ बींग द ग्रेट चेन ऑफ बींग द ग्रेट चेन ऑफ बींग कहेंगे द ग्रेट चेन ऑफ बींग इन वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस द लाइट हाउस डज नाट सिम्बलाइज लाइट हाउस किस चीज़ को नहीं सिम्बलाइज करता चेंज इन द अनचेंजिंग वर्ल्ड को नहीं सिम्बलाइज करता ठीक है चेंज इन द तो किस किस को सिम्बलाइज करता है अ परमानेंस एट द हर्ट ऑफ चेंज इसको भी सिम्बलाइज करता है सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ इन द हर्ट ऑफ डेथ ये भी सेलिब्रेशन ऑफ ऑर्डर इन द हर्ट ऑफ काउस ये भी करता है लेकिन किस को नहीं करता चेंज इन द अनचेंजिंग अनचेंजिंग वर्ल्ड कैन वन इमेजिन क्या हम इमेजिन कर सकते हैं एनी प्राइवेट सोल्जर इन द 90s और नाउ रीडिंग बैरक रूम बैलेट्स एंड फीलिंग दैट देयर वॉज अ राइटर हु स्पोक फॉर हिम इट इज़ वेरी हार्ड टू डू सो वैन ही इज़ राइटिंग नॉट टू ब्रिटिश नॉट ऑफ ब्रिटिश बट ऑफ लॉयल इंडियंस ही कैरीज द सलाम साहेब वो क्या करता है सलाम साहेब मोटिफ टू समाइम्स डिस्टिंगविश distinct disgusting lengths Prasan Karnevali. Yet it remains true that he has far more interest in common soldier for more anxiety that he shall get a fair deal than most of the liberals of his day and our own. He sees that the soldier is neglected, mainly underpaid and hypocritically despised by the people whose incomes सेफ सेफगार्ड्स तो इसमें ये क्या है ये कहां से आया है ये ये आया है दिस इज जॉर्ज और ऑन रूडियार्ड किपलिंग जो ये स्टेटमेंट है ना जॉर्ज और जॉर्जेल और, की रूडियार्ड किपलिंग की स्टेटमेंट है ये जॉर्ज और रूडियार्ड किपलिंग ठीक है इन द वेल नोन पोएम टू हिज कोए मिस्ट्रेस वेल नोन पोएम जो है टू हिज कोए मिस्ट्रेस द वर्ड कोए मीन्स साय कोय का मतलब क्या होता है साय कोए मीन्स साय फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई बैक फॉर्मेशन बैक फॉर्मेशन का क्या मतलब है यहाँ पे बैक फॉर्मेशन होता है बुल्क पोक एंड बंडल बुल्क बैक फॉर्मेशन बैक फॉर्मेशन इनमें सल्क बुल्क स्टोक पोक स्विंडल बंडल तो इसमें क्या है इसमें आपकी बुल्क हो गई पॉक हो गई और बंडल हो गई ठीक है देखो एक छोड़ दिया एक एक छोड़ दिया और फिर एक इसको बोलते हैं बैक फॉर्मेशन सल्क बुल्क स्टॉक, पॉक स्विंडल बंडल तो देखो सल्क बल्क तो बैक फॉर्मेशन क्या बनी बल्क स्टॉक, पॉक बैक फॉर्मेशन क्या बनी पोक स्विंडल बंडल काइंड फाइंड तो काइंड फाइंड तो फाइंड क्या बनी बैक फॉर्मेशन जो बैक में फॉर्मेशन करे तो वो एक छोड़ के एक वो हो गई बैक फॉर्मेशन इट्स इट ब्लर्स डिस्टिंक्शंस अमंग लिटरेरी नॉन लिटरेरी एंड कल्चरल टेक्स्ट सोइंग हाउ ऑल थ्री इंटर सर्कुलेट शेयर इन एंड म्यूचुअली कन कॉन्स्टिट्यूट इच अदर वट डज इट इन दिस स्टेटमेंट स्टैंड फॉर इस स्टेटमेंट में इट किसके लिए है इस स्टेटमेंट इट है न्यू हिस्टोरी न्यू हिस्टोरी सिजम फॉर दो आई हैव नो आइडिया वट दिस अकस्टर्ड फॉर फ्रोस्टी डैश इज वर्थ इट प्लीज मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर इन द इन द बार्न इन द बार्न फिर से सुनेंगे फोर दो आई हैव नो आइडिया वट दिस अकस्ट फ्रॉस्टी बार्न इज वर्थ इट प्लीज़ मी टू स्टैंड इन साइलेंस हेयर मैं इस बार में आंगन में बड़े आराम से खड़ी हो जाती हूँ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज़ नॉट पार्टीशन नॉवल तो पार्टीशन नॉवल क्या नहीं है द लॉन्ग साइलेंस नहीं है आज़ादी भी पार्टीशन है टमस भी है चमन चमन्नी अलगा है ना आज़ादी और क्लियर लाइट ऑफ द डे ये सारे आज़ादी के नावल हैं लेकिन जो लॉन्ग साइलेंस है वो आज़ादी का नावल नहीं है बुकर प्राइज विनर नॉवल है वैसे ही द लॉन्ग साइनेंस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, विच वन डज नॉट बिलोंग टू हाउस फॉर मिसिज विश्वास राल्फ सिंह नहीं है भाई इसमें राल्फ सिंह नहीं है द हाउस फॉर मिसिज विश्वास में कौन सा कैरेक्टर नहीं है राल्फ सिंह रघु है देहूती है तारा है रघु देहूति और तारा ये सारे हैं लेकिन राल्प सिंह नहीं है द इंग्लिश लिटरेचर In English literature the trophy of the vampire was used for the first time by John Stagg in English literature the trophy of the vampire was used for the first time by John Stagg John Stagg John Stagg John Stagg John Stagg why is universal grammar why is universal grammar why is universal grammar so called Uh, यूनिवर्सल ग्रामर को क्या कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रामर को क्या कहा जाता है इट इज़ सेट ऑफ बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स अज्यूम्ड टू बी फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेज इट इज़ सेट ऑफ बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स अज्यूम्ड टू बी फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेजेस आइडेंटिफाई द नावल विद द रोंग सब टाइटल लिस्टिड दो जो नावल है उसका रोंग सब टाइटल है जैसे मिडल मार्च स्टडी ऑफ द प्रोविंशियल लाइफ ठीक है टेस्ट ऑफ डी अवर अरबर विलेज ये अ प्योर वोमेन ये भी ठीक है द मेयर ऑफ कास्टरबरीज अ मैन ऑफ कैरेक्टर ये भी ठीक है लेकिन फ्लैक्स ओल्ट का सोशलिस्ट नहीं है फ्लैक्स ओल्ट का सोशलिस्ट नहीं है फ्लैक्स होल्ट का सोशलिस्ट नहीं है ठीक है नेक्स्ट डेविड मेलोफ डेविड मेलोफ ये मैच करेंगे मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू लिस्ट वन को लिस्ट टू से तो डेविड मलूफ हो गया रिमेंबरिंग बेबीलियन रिमेंबरिंग बेबीलियन बेबीलोन बेबी पैट्रिक वाइट पैट्रिक वाइट पैट्रिक वाइट पैटरिक वाइट ये हो गया आपका पैट्रिक वाइट हो गया दोलिड मंडला द सोलिड मंडला पैटरिक वाइट द सोलिड मंडला पीटर कैरी पीटर कैरी पीटर कैरी पीटर कैरी पीटर कैरी क्या हो गया आपका द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग द हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग और कॉलिन जॉनसन हो गया वाइल्ड कैट फॉलिंग कॉलिन जॉनसन हो गया वाइल्ड कैट फॉलिंग यानी डेविड मेलूफ का हो गया रिमेंबरिंग बेबीलोन पैट्रिक वाइट हो गया द सोलिड मंडाला पीटर कैरी हो गया द हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग और कॉलिन जॉनसन वाइल्ड कैट फॉलिंग द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ टोल स्टोय अन्ना द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ टोल स्टोयस अन्ना कैरियना हैप्पी फैमिलीज़ आर ऑल अलाइक एवरी अनहैप्पी फैमिलीज अनहैपी इन इट्स ओन वे दिस स्पेसिफिक कॉज ऑफ द हैप्पीनेस इन द ओबलोंकिज हाउस वॉज द हजबेंड्स अफेयर विद किस के साथ था हसबैंड का अ फ्रेंच गवर्नेस अ फ्रेंच गवर्नेंस के साथ एक फ्रेंच गवर्नेंस के साथ उसका अफेयर हो गया था The periodical had the the periodical had the avowed intention to enliven morality with wit and to temper wit with morality to bring philosophy out of the closets and libra libraries, schools and colleges to dwell in clubs and assemblies at tea tables and coffee houses. It also promoted family marriage and courtesy. The periodical. अंडर रेफरेंस इज पीरियोडिकल क्या है ये इस रेफरेंस में पीरियोडिकल है आपका दस पैकटेटर द पैक्टेटर दस पैकटेटर दस पैकटेटर एजर्सन है टैम ओ सेंटर बाय जोन क्लेयर इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑर्डनरी ह्यूमन बींग एंड बिकेम क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम ये तो हो गई एजरसन टैम ओ सेंटर बाय जोन क्लेयर इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑर्डर ह्यूमन बींग एंड बीकेम क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग दैट टाइम रीजन है जोन क्लेयर हैविंग सफर्ड अबाउट ऑफ मैडनेस कूड रियली फील फॉर दिजरी ऑफ कॉमन मैन तो इसमें बताइए क्या है ये ये है ये भी जैसे इससे पहले गया था बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है तो इन द कंटेक्ट ऑफ टू स्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो करेक्ट कौन सा हो गया आपका बी हो गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए अलेक्जेंडर पॉप्स एंड एसे इन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पॉप का जो एसे इन क्रिटिसिज्म है ये क्या है ये इसमें सारे ही रॉन्ग है तो आगे बढ़ेंगे वट इज़ रजिस्टर रजिस्टर क्या है द वे यूजर्स ऑफ अ लैंग्वेज रजिस्टर द ऑफ नो अ वराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज इन सोशल सिचुएशन एक वैराइटी है लैंग्वेज की यूज्ड इन सोशल सिचुएशन और वन स्पेशली डिजाइनड फॉर द सब्जेक्ट इट डील विद तो रजिस्टर क्या है रजिस्टर एक वराइटी ऑफ लैंग्वेज है यूज इन सोशल सिचुएशन या वन स्पेशली डिजाइन फॉर द सब्जेक्ट इट डील्स विद जेरमिकोलर्स जर्मी जेरमिकोलियर्स शोर्ट व्यू ऑफ द इमोरटेलिटी एंड प्रोफेनेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज सिक्सटीन नाइनटी एट अटैक्ड किस पे अटैक करता है वो जेरमिकॉलेज का जेर्मिकॉलेज जो ये अटैक करता है दर्शनस एंड अग्लिनेस ऑफ रेस्टोरेशन थिएटर दर्सने फिर से सुनेंगे जेर्मिकॉलर शॉर्ट व्यू ऑफ़ द इमोर्टेलिटी एंड प्रोफेनैस

इंग्लिश थिएटर आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द करेक्टली मेस्ट पेयर करैक्टली मेस्ट पेयर को आइडेंटिफाई कीजिए अमिताभ घोष जो है अमिताभ घोष ने एक को बताना है ना आपने अमिताभ घोष ऑल अबाउट नहीं है ये तो इसमें एक ही है ये सलमान रस्दी का द एचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस सलमान रस्दी का द एचेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस द एंच फ्लोरेंस सलमान रसदी द एंटेंचरस ऑफ फ्लोरेंस लैंग्वेज एंड पेरोल तो ये क्या है फर्डीनेडी सोसर कम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस नोमचों की है आइकोनिकंडक्सिकल आइकोनिकंडक्सिकल आइकोनिक इंडक्सिकल है आपका सी एस पीरी और ये रीडरली या राइटरली है रोलैंड पार्थ रीडरली राइटरली रोल एंड बार्थ तो क्या बना लैंग्वेज लाइक लैंग्वेज पैरोल पे, होगी फर्डिनेंड डी सोसर कॉम्पिटेंस परपों नोम चॉम्स्की आइकॉनिक इंडेक्सिकल सी एस पियर्स और रीडरली और राइटरली हो गया रोलैंड बार्थ्स मैच करना है ये भी तो जोए कोगावा जोए कोगावा जोए कोगावा जोए कोगावा जो हो गया आपका अबसान वसंजी जोए कोगावा अबसान वसंजी एम जी एम जी एम जी एम जी क्या हो गई आपकी एम जी हो गई द सन्नी सेक सैक, सेक दन्नी सेक और स्काई ली हो गया डिसअपियरिंग स्काई ली हो गया डिसअपियरिंग और अर्नल्ड की हो गई ब्लडी राइट्स अर्नल्ड की क्या हो गई मैथ्यू अर्नल्ड की ब्लडी राइट्स तो फिर से सुनेंगे जोए कोगावा जो अबसाना वसंजी जोए ए कोगावा अबसाना वसंजी कहाँ गया है वो क्यों बाना वसंजी वसंजी गया है वो और एम जी क्या है द गन्नी सेक से गन्नी जी फॉर गन्नी याद रखेंगे स्काईली हो गई स्काई स्काईली क्या हो गई डिसअपेयरिंग इतवार डिसअपेयरिंग तो स्काई में क्या हो जाता है वो ली वो गायब हो जाता है तो डिस और अर्नल्ड जो है ब्लडी राइट वाई ड जेन वाई ड जेन जीन बॉड्रील्ड अडोप्ट डिस्नीलैंड डिसनी एज इज ओन साइन जो जीन बॉड्रीलैंड था वो डिस्नीलैंड अपने सिग्नेचर के रूप में डिस्नीलैंड को क्यों यूज करता है वो इसलिए यूज करते हैं कि डिस्नीलैंड इज एन आर्ट फैक्ट डिस्नीलैंड क्या है एक आर्ट फैक्ट है दैट सो ऑब्वियसली अनाउंसिस इट्स ओन फिक्टिवनेस That it would seem to imply some counterbalancing request reality. This land, Disneyland, is an artifact that is so obviously announces its own fictiveness that it would seem to imply some counterbalancing reality. Which of the following statement is not true of D G 70 D0 Sati KBRMA. क्या सच नहीं है डी जी रोसेटी वॉज अ लर्नर द सन ऑफ एन इटालियन रिफ्यूजी हु टॉट इटालियन एट किंग्स कॉलेज सच है रोसेटी फॉर्म द प्रेयर पेयर ब्रदर डू विद हॉल फोर्ड मोडोक्स ब्राउन प्रिंटर ये भी सच है ही मैरिड क्रिस्टीना जो ये ठीक नहीं है ये इसने जो मैरिज की थी ही मैरिड क्रिस्टीना जॉर्जीना वॉज पोई टू हर राइट ये ठीक नहीं है तो रोसेट्टीज़ ब्लेस्ड डोमेजल डिस्प्लेज इज रिमार्केबल गिफ्ट एज अ पोइट एंड पेंटर ये भी ठीक है तो फर्स्ट टू और लास्ट ठीक है इमेज करेक्ट है और ही मैड क्रिस्टीना गोरोजीना ये सच नहीं है गोतेज फर्स्ट पार्ट वन सी इन वन ओपन सीन तो गोते का फास्ट जो है वो कहाँ खुलता है तो फास्ट स्टडी फास्ट स्टडी इजी है तो इट इज़ सिंगल माइंड सीज्ड स्कल और ट्रेनड बॉडी और जीनियस और अनेस्टफुल ऑफ ब्रेड्स गिवज देयर डेज दिस बुलेट एंड ऑटोमेटिक परपज थ्र द अबोलाइंस वट डज देयर रेफर टू एंड वट क्वालिटी ऑफ देयर डज द पोइट स्पीक ऑफ कौन सी क्वालिटी बताता है ये क्वालिटी बता रहा है कि ह्यूमन बींग्स एंड देयर इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग जो है और उसकी इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धि कैसी है उसकी बुद्धि ह्यूमन बींग्स एंड देयर इंटेलिजेंस ओके ह्यूमन बींग्स एंड देयर इंटेलिजेंट ये करेक्ट नहीं है द ट्रसिज एंड देयर कंसनट्रेशन इन अचीविंग वट दे सेट आउट फॉर ये सच है द ऑफ़ द इन गेटिंग एट दे देयर पार्टी ये भी सच है तो आपका आंसर क्या हो गया आपका आंसर हो गया डी टू और थ्री डी हो गया आपका टू और थ्री टू एंड थ्री फाइंड द ओल्ड वुमेन आउट तो इनमें ओल्ड जो वुमेन है बेलाडोना ये भी करेक्ट है एंजीनाइट्स द टाइपिस्ट मैरी मैडम सोस्टियर्स द रोइन बाइबर द हिरोइन बैबर ओड है टायरीशिया द यंग मैन करनबुक कूलर तो इसमें ओड क्या है द रोइन बोइन विल्कीज कोलिनस नोवल द मूनस्टोन एटीन सिक्सटी एट टेल्स द स्टोरी ऑफ ऑफी कोलिन मोन मोनस्टोन, एटीन सिक्सटी एट टेल्स द स्टोरी ऑफ किसकी कहानी बताता है ये ये किसकी कहानी बताता है अ फैबुलस येलो डायमंड स्टोलन फ्रॉम एन इंडियन श्राइन ये इसकी कहानी बताता एक फैबुलस मीन शानदार पीला डायमंड जो था स्टोलन फ्रॉम एन इंडियन श्राइन आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ हो गई एमिली डिकिंसन कैप्टन ओ कैप्टन ये वॉल्ट विटमैन हो गए टू रोड्स डाइवर्सड इन येलो वुड रॉबर्ट फ्रोस्ट हो गई और सो मच डिपेंड्स अपॉन हो गया विलियम कैरोल विलियम्स नाउ स्टॉप योर नोजिस रीडर्स ऑल एंड सम फॉर हियर इज अ ऑफ मिडनाइट वॉक टू कम ओ फ्रॉम अ ट्रेजन टावरन ट्रोलिंग होम राउंड एज अ ग्लोब एंड लिक्विड एवरी थिंक

विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल इंडियन इंग्लिश पोएम बाय निसीमिजिकल निसी मिजिकल की टिपिकल इंडियन पोएम कौन सी नहीं है टिपिकल इंडियन पोएम नहीं है हाओ द इंग्लिश लेसन एंडिड हाओ द इंग्लिश लेसन एंडिड यह टिपिकल इंग्लिश पोएम नहीं है द रेलवे क्लर्क गुड बाई पार्टी फ्रॉम मिसिज पुष्पा टी एस और ये द पेट्रियट ये है लेकिन हाउ द इंग्लिश लेसन एंडिड नहीं है जॉर्ज इलियट मैरी एनी सैकी, एच एच मुनरो एमिली ब्रोंटे सेमवल लैंगोर्न क्लेम्स और मार्क ट्वेन हो गई एलिस बेल तो जॉर्ज जॉर्जेरियट मैरी एन इवांस, एलियट मैरी एनी इवांस, सैकी सैकी है एच एच मुनरो एमिली ब्रोंट सेम लैंगोर्न क्लेमेंस मार्क ट्वेन हो गई एलिस बेल इन कैंटो सेवेंटी ऑफ इनफर्नो द मॉन्स्टर गैरियन रिप्रेजेंट्स जो कैंटो सेवेंटीन है उसमें मोंस्टर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉड को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कैंटो सेकंड है इनफर्नो की द मॉन्स्टर गैरियन रिप्रेजेंट्स किसको फ्रॉड को फ्रॉड आई रिचर्ड्स फेमस एक्सपेरिमेंट आई रिचर्ड्स फेमस एक्सपेरिमेंट विद पोएम्स एंड हिज कैम्ब्रिज स्टूडेंट इज डिटेल्ड इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट 1929 ट्वेंटी नाइन रिचर्ड रिचर्ड्स आर एस्टोनिस्ट बाय रिचर्ड किससे आश्चर्यचकित हुआ था किससे आश्चर्यचक हुआ था द पुअर क्वालिटी ऑफ हिज स्टूडेंट्स टॉक रिस्पॉन्स पुअर क्वालिटी ऑफ हिज स्टूडेंट स्टॉक रिस्पॉन्स इससे रिचर्ड जो है आश्चर्यचकित हुआ था based on the following description identify the text in reference this is a paleye pale which no one which no one comes ये एक प्ले है जहाँ कोई नहीं आता नो वन गोज नथिंग ऐपन कुछ नहीं होता इन इट्स ओपनिंग सीन अ मैन स्ट्रगल हार्ड टू रिमूव हिज बूट द प्ले वॉज ओरिजिनल रिटर्न इन फ्रांस लेटर ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश फ्रांस में लिखा गया ट्रांसलेटेड किया गया बाद में इंग्लिश में इट वॉज़ फर्स्ट परफॉर्म्ड इन नाइनटीन फिफ्टी थ्रू तो ये कौन था लुक वेटिंग फॉर गोदौत कोई गोदौत नहीं आता कोई भगवान नहीं आता तो वेटिंग फॉर गोदौत है ये प्ले वन ऑफ द फॉलोइंग कैंटर्परी टेल इज़ इन प्रोज़ द पार्सन टेल द पार्सन टेल जो है वो प्रोज में है बाकी पोयम में है द पार्सन टेल इन हीज डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी कोलरेज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग तो आपने बतानी है इमेजिनेशन किस में या फैंसी किस में है ठीक है तो कोलरेज आइडेंटिफाई कोलरेज जो है इट डिजोल्वस डिफ्यूज डिस्टिफ्यूट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट इट डिजोल्स डिफ्यूजिज डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट तो ये क्या है ये है आपकी इमेजिनेशन इमेजिनेशन इट डिजोल्स डिफ्यूज डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट इट हैज एग्रीवेट एग्रीगेटिव एंड एसोसिएटिव पावर इमेजिनेशन और फैंसी में कॉलरेज जो है बताता है इट हैज एग्रीगेटिव एंड एसोसीटिव पावर ये क्या है ये फैंसी है ये फैंसी है नेक्स्ट है इट प्लेज विद फिक्सटीज एंड डेफिनिटीज प्लेज विद फिक्सटीज एंड ये भी फैंसी है ये भी क्या है फैंसी है इट हैज सेपिंग एंड मोडिफाइंग पावर ये क्या है इमेजिनरी है इमेजिनरी है ठीक है तो आंसर सी हो जाएगा जूलिया जूलिया क्रिस्टिवाज इंटरटेक्शुअलिटी डिराइव फ्रॉम जूलिया क्रिस्टिया इंटरटेक्शुअलिटी डिराइव फ्रॉम कहाँ से आई है सोसोर्स साइन से आई है सोसर्स साइन और बैकथिन डायलॉगिज्म और बैकथिनिज्म देखो कितना मुश्किल है बोलना भी नहीं आता मैं तो जूलिया क्रिस्टिवाल इंटर टेक्चुअलिटी डिराइव फ्रॉम सोसर्स के साइन से और बैकथिन के डायलॉग से तो आंसर हो गया बी राल्फ एलिजन इंजोइज रॉल्फ एलिजन इंजोएज सबवर्टिंग मिथ्स अबाउट वाइट प्योरिटी थ्रू कैरेक्टर्स लाइक किस तरह के कैरेक्टर्स में से राल्फ एलिजन इंजॉयज राल्फ एलिजन इंजॉयज किस तरह के कैरेक्टर थे नोर्टन और ब्लैडसो नोरटन और ब्लैडसो यानी वन आंसर नोरटन ब्लैडसो राल्फ एलिजन इंजॉयज सबवर्टिंग मिथ अबाउट वाइट प्योरिटी थ्रू कैरेक्टर्स लाइक नोर्टन ब्लैडसो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रॉल्फ वर्ल्डो एमरजन आर डब्ल्यू एमरजन के बारे में सच क्या नहीं है सच ये नहीं है कि ही रोट ऑन द ही रोट एसेज ऑन न्यू इंग्लैंड सीनरी वुड क्राफ्ट एंड प्लानेसन्स तो ये आंसर ये हो गया ये सच नहीं है ही रोट एसेज ऑन न्यू इंग्लैंड सीनरी वुड क्राफ्ट्स एंड प्लानेसन्स ये राल्फ वाल्डो आर डब्ल्यू एमरजन के बारे में ये सच नहीं है सच क्या ही वॉज ए इनोक्ट ओरेटर अ मेंबर ऑफ द यूनिटेरियन चर्च अंडर विलियम चॉमिंग चौमिंग इन एसेज लाइक नेचर ही लैबोरेट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग फेमिलियर थिंग्स इन न्यूवेज ये भी सच है ही फेमस अमेरिकन स्कॉलर वॉज डिराइव्ड डिलीवर्ड एज एन एड्रेस बिफोर द फिबेटा कप्पा सोसाइटी एट कैम्ब्रिज इन एटीन थर्टी सेवन तो आर डब्ल्यू एमरजन के बारे में ये भी सच है एग्जोरिज्म इज द टाइटल ऑफ द एक्ट एग्जोरसिज्म इज द टाइटल ऑफ एक्ट थ्री ऑफ हुज अ फ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ तो वट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एक्जोरिज्म इन द कंटेक्सट ऑफ द प्ले कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले में क्या है कि एक्सपोजिंग ऑल अटैम्प एट एल्यूजन मेकिंग एक्सपोजिंग ऑल अटैम्प्ट तो इज द टाइटल ऑफ एक्ट थ्री ऑफ हुनिया वुल्फ इसका महत्व क्या है सिग्निफिकेंस क्या है एक्जोरसिज्म का कि एक्सपोजिंग ऑल अटैम्प्ट एट एल्यूजिंग एल्यूजन मेकिंग वुमेनिस्ट वुमेनिस्ट इज टू फेमेनिस्ट वुमेनिस्ट क्या है वही फेमेनिस्ट एज पर्पल इज़ टू लेवेंडर दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डिफाइनिंग द वुमेनिस्ट परस्पेक्टिव एडवांस्ड किस एडवांस बाय किसने कहा है ये ये किसने कहा ये कहा है एलिस वॉकर एलिस वॉकर ने कहा है विमेनिस्ट के बारे में एलिस वॉकर आइडेंटिफाई द मिसमेस्ड पेयर इन द फॉलोइंग वेयर कैरेक्टर्स इन गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज गोल्डिंग की लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज गोल्डिंग की लॉर्ड ऑफ फिट द अलगराइज पैटर्न ऑफ वर्च्यू एंडगराइज पैटर्न ऑफ वर्च्यू एंड ये क्या है जैक ने क्या किया पीटी जैक पीटी जैक पीटी टी गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाई जैक पीटी टी आ परस्पेक्टिव इज वन वेयर स्बाल्टन परस्पेक्टिव वो होता है जहाँ पर क्या होता है द पोलिटिकली दोलिटिकली परसेप्स्ड वो होता है जहाँ पोलिटिकली डिस्पोज हैं कुड बी वॉइसलेस रिटर्न आउट ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इग्नोर्ड बिकॉज देयर एक्टिविटीज़ डू नॉट काउंट फॉर कल्चर और स्ट्रक्चर ठीक है इंटर लैंग्वेज इज अ टर्म वी ओ टू एम के हेलीडे तो यहाँ ये बताना आपने सच क्या है ठीक है तो इंटर लैंग्वेज इज़ अ टर्म वी ओ टू एम के हेलीडे जिस जिससे हम, जो हमने किससे लिया ये एम के हेलीडे से लिया ये ठीक है ये भी ठीक है भाई और नेक्स्ट है इट इज़ डिस्टिंग स्टेज इन लर्नर्स प्रोग्रेस इन द स्टडी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज डिस्टिंग डिस्टिंग स्टेज है इन लर्नर्स प्रोग्रेस इन द स्टडी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज ये भी सच है इन द इन द क्लासिक स्टेटमेंट इन द क्लासिक स्टेटमेंट दैट इनऑगरेटिड फेमिनिस्ट थॉट था इंग्लिस वी रीड अ वाइटिंग थिंक्स बैक थ्रू हर मदर्स वेयर डज दिस अक्कर कहाँ घटित होता है वेयर डज दिस अक्कर कहाँ होता है वर्जीनिया वोल्फ के आ रूम ऑफ वंस ओन क्लासिक स्टेटमेंट दैट इन ऑगरेटिड फेमिनिस्ट थॉट इन इंग्लिस वी रेड अ वुमेन राइटिंग थिंक्स बैक थ्रू हर मदर्स तो वर्जीनिया वोल्फ का रूम ऑफ ओन। आइडेंटिफाइड द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द ट्रांसलेटर्स एंड ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेटर्स एंड ट्रांसलेशंस करेक्टली मेस्ट पेयर तो ए के रामानुजन क्या है ए के रामानुजन ए के रामानुजन है स्पीकिंग ऑफ शिवा राम तो शिव के बारे में बात करते हैं ठीक है मन मथनाथ मन्मथ नाथ दत्त दत नाथ दत्त जो है वो मैं से मन्मत मैं से महाभारता मैं 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 तो मन्मत नाथ दत्त महाभारता मोहिनी चटर्जी द भागवत गीता और रमेश चंद्र दत्त हो गया द रामायण ए के रामानुजन है स्पीकिंग शिवा मन्मत नाथ दत् महाभारता मोहिनी चटर्जी भागवत गीता और रमेश चंद्र दत्त हो गया द रामायण एज अर सन इन द पावर एंड द ग्लोरी ग्रीन शोज हाउ द विस्की परिस्ट ट्रांसेंड्स हिज वीकनेस फॉर ड्रिंक एंड हिज ह्यूमन फीयर्स मूविंग टूवर्ड्स मैरिटन ठीक है वही ट्रांसेंडेंट्स इन ग्रीक्स नॉवल इज जनरली एन आउटकम ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी बट प्राइड इज ऑल्सो एन इसेंशियल इनग्रेडियंट्स इन द प्रिस्ट्स कैरेक्टर परिस्ट के कैरेक्टर में ये भी सच है तो तो इसमें आंसर क्या बनेगा ए भी ठीक है दोनों सच हैं तो और एक्सप्लेनेशन भी है तो सी हो गया ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सच तो दोनों है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं कर रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन जॉन ड्राइडन इज इनकरेक्ट जॉन ड्राइडन के बारे में जो स्टेटमेंट है ना वो इनकरेक्ट कौन सी है तो पढ़ लेते हैं जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन वर कंटेम्प्रेरी ठीक है तो मिल्टन और जॉर्डन कंटेम्प्रेरी थे ड्राइडन वाज अ रॉयलिस्ट मिल्टन वाज फेयर्स्ट अपोजिट मोनार्की मोनार्की के खिलाफ था मिल्टन ये भी है ड्राइडन रॉयलिस्ट था ये भी सच है ड्राइडन रोट अपले ऑन द मोगल एम्पर हुमायू मायू के बारे में उसे क्या पता था ड्राइडन को कुछ नहीं पता था तो ये आंसर हो गया हमारा ड्राइडन Was appointed the poet laureate in England in 1668. A B such hai. like walking criticism, walking criticism is a pretty nearly universal art. Pretty like walking criticism is a pretty nearly universal art. Both requires a constant, intricate shifting and catching of balance. Neither can be questioned much in progress. एंड फ्यू परफॉर्म्स ईदर रियलीवल फॉर ईदर अ न्यू टर्न ट्रेन इज फिटिंग एंड अकवर्ड एंड इन आर डे मोस्ट मैन प्रेफर पाउड वॉक्स एंड सम फॉर्म ऑफ रैपिड ट्रांसपोर्ट सम के सी थ्यूरी और ओवर मास्टरिंग डोगमा आर पी ब्लैकनोर अटिक जॉब ऑफ वॉक क्या है ये ये जो पूरी स्टेटमेंट इतनी लंबी पढ़ी है आपने तो ये क्या है इसमें करेक्ट है ब्लैक मोर कम्पेयर्स वॉकिंग ब्लैक मोर कम्पेयर्स वॉकिंग विद क्रिटिसिज्म बिकॉज ही कंसिडर्स बोथ टू बी आर्ट्स ऑफ अ फेमिलियर काइंड दैट कॉल फॉर अटेंशन टू डील एंड अटमोस्ट केयर ये भी सच है फर्स्ट हो गया ट्र्यू और सेकेंड ब्लैक मोर एडमिट सम पीपल डू ये ठीक नहीं है और क्रिटिक्स प्रेफर ट्राइड एंड टेस्टिड अप्रोचेज फॉर मच द सेम रीजन एज वॉकर वुड लुक फॉर वॉक्स एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है द वर्ल्ड डोमिनेटेड द वर्ल्ड डोमिनेट बाय कोल्ड एंड हाइपोक्रिटिकल मटीरियल लिस्ट इज रिप्रजेंटेड बाई विलियम ब्लैक इन द मिथोलॉजी फिगर ऑफ यूरिजन मिथोलॉजी फिगर कौन सा है यूरिजन है यूरिजन यू आर आई जेड ई एन विलियम ब्लैक मिथोलॉजिकल फिगर यूरिजन। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच ग्रुप करेक्ट ग्रुप को बताना है आपने तो करेक्ट ग्रुप है ये रहा। थर्ड स्पेस एडवर्ड सोजा देखो स्पेस में सोएंगे आप तो थर्ड स्पेस क्या है एडवर्ड सोजा सोजा बाई जाके सोजा एडवर्ड सोजा हाइबर होमी बाबा हाइबर तो है होमी है हाइबर और रिसेप्सन एस्थेटिक्स हो गया वुल्फ गैंग आइसर और लैंग्वे हो गया डी साउसर लैंग्वेड एंड पेरोल था ना पेरोल थे डी सा, साउसर Which ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट described एज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ Bernard Shaw's idea ऑफ लाइफ फोर्स अ प्ले डीलिंग विद अ वूमेन pursuits of ऑफ mate. मेट एंड अ प्ले हुज थर्ड एक्ट कॉल्ड डोन जोन इन हेल डोन जोन इन हेल इज बोथ अनकनल एंड हिलेरियस अनकन्वेंशनल एंड हिलेरियस ये किस में आता है ये आता है मैन एंड सुपरमैन में जी बी साह ने लिखा है ये और जी बी सा को नोबल प्राइज भी मिला है आइडेंटिफाई द अन ट्रू स्टेटमेंट ऑन द कॉन्टैक्ट जोन कॉन्टैक्ट जोन के बारे में जो सच नहीं है ना वो बता दो भाई कॉन्टैक्ट जोन के बारे में ठीक है तो बताते हैं द कॉन्टैक्ट जोन इज अ स्पेन वे आर डिस्परेट कल्चर्स मीट क्लैश एंड ग्रैपल विद ईच अदर सच है भाई ये भी कॉन्टैक्ट जोन जो है एक स्पेस है वेयर डिस्परेट कल्चर मीट्स क्लैश एंड डिस्पेयर ईच अदर इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज कॉन्टैक्ट जोन सजेस्ट द हिस्टोरिकल मोमेंट वेन सेटलर एंड इंजीजीनियस कल्चर फर्स्ट मैट ये भी ठीक है द आइडिया ऑफ द कॉन्टैक्ट जोन वॉज फर्स्ट प्रोपोज एंड डिफाइंड बाई मैरी ल्यूस पैट ये भी ठीक है मैरी ल्यूस पैट्स ने आइडिया दिया है कॉन्टैक्ट जोन का लेकिन लास्ट जो है इम्पीरियलाइज ट्रेवलिंग राइटिंग एंड ट्रांसकल्चरल नाइनटीन थर्टी टू इट इज़ बिलीव दैट कॉन्टैक्ट जोन वॉज लीगली इंस्ट्रूमेंटल ये ठीक नहीं है ठीक है लीगली इंस्ट्रूमेंटल वो नहीं है कॉन्टैक्ट जोन जो है इन इन स्पेयर हैडिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड नेम द नावल इन विच उस नॉवल का नाम बताइए जिसमें यह घटित होता है क्या घटित होता है भाई द प्रोटोग्र जो है वो वॉर वेटरन है टाइयो है तो टाइ इसमें ये सच है तो फिर यह भी सच है टाइयो रिटर्न फ्राम वर्ल्ड वॉर सेकेंड थ्रियोली डिस्यूजन एंड हॉन्टेड बाई हिज वायलेंट एक्शन टाइम सिक्स कॉन्सोलेशन एंड कंसल फ्रॉम ओल्ड बैटोनी बैटोनी सला भी चाहता है और सांत्वना भी चाहता है द प्रोटेगोनिस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हारमोनाइजिंग ह्यूमैनिटी एंड द यूनिवर्स मुख्य पात्र जो है ये भी चाहता है प्रोटेगोनिस रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हारमोनाइजिंग ठीक है ना तो ये ये किस में है ये ये है आपका सेरेमनी ये सारी चीज़ें में आती है ये सारी चीजें आती हैं सेरेमनी में सेरेमनी सेरेमनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन मैन एंड वीमेन इज एड्रेस्ड जो नीचे पोएम दी गई है मैन एंड इज एड्रेस्ड टू एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बाय द पोइट आइडेंटिफाई इट इसको आइडेंटिफाई करना है आपने नीचे जो ये दी गई है आईडेंटिफाई करता वन वर्ड मोर एक शब्द और कह दो वन वर्ड मोर वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन मैन एंड वीमेन इज एड्रेस्ड टू एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बाय द पोइट आई डेम वन वर्ड मोर मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू अकॉर्डिंग टू द कोड्स गिवन बिलो नीचे लिस्ट दी गई है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने मैच करनी है तो टेनिस विलियम्स है स्ट्रीट कार्ड नेम डिजायर टेनेसी विलियम का क्या है अस्ट्रीट कार्ड नेम डिज़ायर ठीक है हाँ फिर यूजिन ओ नील है एम्पर जोन यूजिन ओ नील की है एम्पर जोन एम्पर जोन और लॉरें हैंसबरी लॉरन हैसबरी लॉरन हैंसबरी है आ रेज इन द सन

Cruelty, तो ये है जर्जी ग्रोटोवस्की थिएटर ऑफ क्रूलिटी जर्जी ग्रोटोवस्की थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड तो ये हो गया तो अगस्टो बॉल अगस्टो बॉल और एक्सप्रेसनिस्ट थिएटर एक्सप्रेसनिस्ट थिएटर हो गया आपका जॉर्ज केसर जॉर्ज केसर और एजिट एजिट प्रोप सफदार हाशमी सफ़दार हाशमी एक बार फिर सुनेंगे थिएटर ऑफ क्रियोलिटी क्या है जर्जी ग्रोटोवस्की, जर्जी जर्जी ग्रोटोवस्की थिएटर ऑफ क्रियोलिटी। थिएटर ऑफ द ओपरेस्ट हो गया अगस्टो बॉल अगस्टो बॉल और इम्प्रेशनिस्ट थिएटर हो गया जॉर्ज केसर और एजिट प्रॉप हो गया सफ सफदार हाशमी बर्टोल्ट बर्टोल्ट्रेट्स एपिक थिएटर बर्टोल्ट ब्रैथ एपिक थिएटर क्या है तो टर्न्स द स्पेक्टेटर इनटू एन ऑब्जर्वर बिल्कुल ठीक है भाई टर्न्स द स्पेक्टेटर इनटू एन ऑब्जर्वर बिल्कुल ठीक है वियर्स डाउन द स्पेक्टे कैपेसिटी फॉर एक्शन नहीं ये ठीक नहीं है रेलीज ऑन ऑर्ग्यूमेंट तर्क वितर्क पे ये भी ठीक है प्रेजेंट मैन एज अ प्रोसेस ये भी ठीक है प्रेजेंट मैन एज अ प्रोसेस तो ये भी ठीक है तो आंसर हो गया इसका बी ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो